हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रुना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं मदर्स डे के बारे में। तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे कहने के लिए मैं स्पेशली आई हुई हूं और एक स्पेशल स्टोरी बना रही हूं इसी के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या है ना, जनरेशन तीन एक्चुअल रहती है जिसमें दो जनरेशन अलग अलग है जो कि माँ इस वर्ड से हमें कनेक्ट करती है। एक तो वो माँ जो हमें इस दुनिया में लेकर आई है, तो अपनी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे कहिए और एट द सेम टाइम अपने बच्चों को थोड़ा ज़्यादा प्यार कर लीजिए आप सारी महिलाएं, क्योंकि बच्चे ही हैं जिनकी वजह से आपको माँ जैसे अभूतपूर्व और बहुत ही श्रेयस्कर पदवी मिली है। तो दोनों जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों को खूब सारा प्यार लुटाइए आप। तो अब ऐसे में फ्रेंड्स, क्या है, सॉन्ग माइंड्स डॉट ये जो एक मैंने कहा था कि नीरज कालकर सर जो कि इंडियन आइडल और SS2 और सारेगामा इन सभी के म्यूजिक गुरु हैं, उनकी तरफ से एक यूट्यूब चैनल और .com आ रहा है जिसमें आप सॉन्ग माइंड्स करके जो है उसमें आप अपने इमोशंस के साथ जिसे भी आप अपना पर्सनलाइज गाना गिफ्ट करना चाहते हैं आप उसे ये गाना गिफ्ट कर सकते हैं। लिखने के लिए, गाने के लिए नीरज कालकर सर के पास कंप्लीट ग्रुप तैयार है, आपको सिर्फ अपनी कहानी बतानी है और फिर गाना ऐसे बन जाएगा। तो लव यू माँ करके एक गाना आया है, वो अंशिका चोंडकर और विश्वजा जाधव ये दोनों की आवाज़ में रिकॉर्ड करके पहला गाना लोगों के सामने लाया गया है। मदर्स डे का एक सुंदर दिन उन्होंने चुना है और गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशनल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं है, तामझाम नहीं है, सिर्फ माँ बेटी के रिलेशनशिप को बताया गया है। सिर्फ ये दिखाया गया है कि हाँ, माँ कभी कभी गुस्से में डांटती भी है और डांटने के बाद खुद ही दुखी हो जाती है कि क्यों डांट दिया है। तो वो इमोशन भी दिखाया गया है। आई एक्चुअली लव्ड इट फॉर द सिंप्लिसिटी, कोई भारी भारी वर्ड्स नहीं, कहीं कोई मतलब ऐसे बड़ी बड़ी उपाधियाँ और बड़े बड़े मुहावरों का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि माँ और बच्चे का रिलेशनशिप इतना ही सिंपल होता है, इतना ही सरल होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। और वही गाना, वही इमोशन, वही सुंदर ख्यालात लेकर ये गाना लव यू माँ आया है। तो वो डेफिनेटली देखेगा, सुनेगा और मौका पड़े तो अपनी मम्मा को भी सुना दीजिएगा। बहुत सुंदर लगा मुझे गाना, सिंपल प्यारा। अब इसके अलावा भी ना, आपके इंडियन आइडल्स जो हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी मम्मा को विश कर रहे हैं। ओके, तो अरुणिता है, साइली है, आशीष है, दानिश है, दानिश के ताबिश है, फिर चांदनी राजन एंड उसके अलावा ज्योति दीप के भी हैं। तो मैंने चिराग का भी देखा, वो भी अपनी मम्मा को विश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। देन ऋषि का देखा और मतलब तमाम अच्छा लग रहा था देखकर। तो चलिए आपको उस बात के भी दर्शन करवा देती हूँ, वो पिक्चर्स, वो अपडेट्स दिखा देती हूँ आपको। एक बात तय है, माओं के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मतलब मैं क्या कहूँ यार, इतना सुंदर दिन है, इसके लिए तो कोई उपाधि भी नहीं मेरे दिमाग में आती है, क्योंकि माँ अपने आप में इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ उपाधि होती है। तो अगर आपकी माएँ हैं तो उन्हें विश कीजिए, और अगर आप खुद माँ हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार कर लीजिए। चलिए आप बताइए, आपने विश किया या नहीं किया। जय हिंद।